YouTube चैनल दीपेश गौर में आज इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पर आपको सूचना देने वाले हैं। जो जानकारी इस वीडियो में आपको पूरे एंड तक देखना है तो आपको समझ में आ जाएगी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के संदर्भ में। जैसे कि आप सभी को पता है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र महिलाओं को 1,000 रुपये की राशि जो कि हर महीने की 10 तारीख को उनके बैंक अकाउंट में चली जाएगी, मतलब 12 महीने के 12,000 रुपये प्रतिमाह पात्र महिलाओं को दिए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने एक और ऐलान किया है कि प्रत्येक बहनों को 5,000 रुपये भी दिए जाएंगे, जिसके रजिस्ट्रेशन यहां पर स्टार्ट हो चुके हैं। तो क्या कुछ प्रोसेस है आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और यहाँ पर वीडियो की नोटिफिकेशन के साथ साथ जॉब नोटिफिकेशन भी पाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लाडली बहनों के मन की बात हितग्राही बहनें साझा करें हमारे साथ, सर्वश्रेष्ठ 10 प्रतिष्ठियों को मिलेंगे 5,000 रुपये का पुरस्कार। तो चलिए जानते हैं इसकी फुल डिटेल। फुल डिटेल के लिए हमने इस पर जैसे क्लिक करें हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर शो होने लगेगा। तो दोस्तों इसकी लास्ट डेट जानकारी देने से पहले लास्ट डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं 5/7/2023 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। लाडली बहनों के मन की बात हितग्राही बहनें साझा करेंगे हमारे साथ, मध्य प्रदेश में नारी सशक्तिकरण के नए युग की शुरुआत, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। दोस्तों यहाँ पर अगर आप मैं यहाँ पर आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ, आपके खाते में भी प्रतिमाह 1,000 रुपये आ रहे हैं। इससे कोई इन पैसों को जमा कर रहा होगा, कोई इससे खाने पीने का सामान ले रहा होगा, तो कोई कुछ सीख रहा होगा। तो इन बिंदुओं में आप अपनी मन की बात लिख सकते हैं कि आपके खाते में जो पैसा आएगा वो कैसा लग रहा है, आपको पैसा का क्या करेंगी और यह योजना के सशक्तिकरण कैसे उपयोग करेगी, यह योजना महिला सशक्तिकरण कैसे, इन तीन बिंदुओं पर आपको अपना मन की बात कहनी है। तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो नेक्स्ट वीडियो हम इसके रजिस्ट्रेशन पर बनाएंगे, पर अभी इसमें हम जानकारी आपको दे देना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरस्कार, यदि आपके मन की बात समाज में महिला सशक्तिकरण और पोषण को बेहतर करने की दिशा में प्रेरणादायक होगी तो उसे प्रस्तुतिकरण भी प्रभावी होगा तो उसे सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ 10 प्रविष्टियों के रूप में 5,000 रुपये से पुरस्कार किया जाएगा। यह पुरस्कार राशि विजेता लाडली बहनों के DBT के सक्रिय खाते में भेज दी जाएगी। यहाँ पर प्रतियोगिता के नियम लिखे हुए हैं। प्रतियोगिता के मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के हितग्राही बहनों के लिए है। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए प्रतिभागी बहनों को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पंजीकरण क्रमांक लिखकर अनिवार्य होना होगा। लाडली बहना पंजीकरण क्रमांक के बिना प्रविष्टियों को रद्द कर दिया जाएगा। प्रतिभागी बहनों को सभी तीन बिंदुओं पर अपने मन की बात लिखना होगा। प्रतिभागी बहनों को प्रविष्टि के साथ साथ अपना पूरा नाम, गांव का नाम, शहर का पिन कोड, लाडली बहना योजना का पंजीकरण क्रमांक और अपना मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लिखना होगा। एक प्रतिभागी द्वारा केवल एक प्रविष्टि स्वीकार की जाएगी। प्रविष्टियों का चयन विशेषज्ञ पैनल द्वारा किया जाएगा। प्रविष्टियों के विषय से संबंधित होने चाहिए। पुरस्कार एवं प्राप्त प्रविष्टियों को संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश किसी भी रूप में उपयोग हेतु स्वतंत्र रहेगा। नोट, यहाँ पर प्रतियोगिता में भाग लेने वाली प्रतिभागी लाडली बहने यह सुनिश्चित करें उन्होंने प्रतियोगिता की सभी शर्तों का पालन किया है, उन्हें प्रविष्टि मौलिक है, उनकी प्रविष्टि किसी भी तरह से दूसरे पक्ष की संपदा नहीं है। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पंजीकरण क्रमांक जरूरी होगा। अंतिम तिथि है 5 जुलाई 2023, मतलब 5/7/2023। हितग्राही बहने के दिए गए बिंदु पर आप अपने मन की बात नीचे कमेंट बॉक्स में कह सकती है। तो दोस्तों यहां पर आपको अगर इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहां पर आपको नीचे लास्ट में देखने को मिल रहा होगा लॉगिन टू सबमिट टास्क, तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से आप लॉगिन कर आगे की प्रोसेस यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर आपका पहले से बना हुआ है और अगर नहीं है तो यहाँ पर लॉगिन करना है OTP के माध्यम से। और इसमें आगे की प्रोसेस अगर आप कमेंट करते हैं कि हमें आगे के रजिस्ट्रेशन की फुल प्रोसेस सबमिट करके बताइए तो हम उसमें वीडियो ज़रूर बनाएंगे। फिलहाल मैं आपको इतना ही जानकारी देना चाहता था, इसलिए वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आप जल्द मिलेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।